हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2। आज हम आपको एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले हमने 2.1 पूरा आपको बता दिया है और आपको क्लियर हो गया होगा। और आज 2.2 का हम फोर्थ से बताएंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट से लेकर थर्ड तक सवाल इसके पहले की वीडियो में बता दिया है और आपको इसका पूरा जीरोज क्या होते हैं और जीरोज का जोड़ क्या होता है और उसका प्रोडक्ट क्या होता है सब अच्छे से समझा दिया था। आपको समझ में आ गया होगा, तो उसके आगे फोर्थ सवाल से आज करिए, ठीक है। सवाल क्या है बेटा, फर्स्ट का देखिए। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। पहले हमको क्या करना है, जीरोज निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो है उसका जीरोज निकालना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट। और उसके बाद हमको उसका वेरीफाई करना है कि ये जीरोज और कोफिशियंट का जो वेरिफिकेशन है करना है कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हिंदी में देखिए क्या लिखा है, द्विघात बहुपदों का शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक मतलब क्या होता है बेटा, वही जो जीरोज होता है, मान होता है, वैल्यूज होती है, उसी को कहते हैं शून्यक का मतलब। या जीरोज का मतलब क्या होता है, जो आपका वेरिएबल्स है उसकी जो वैल्यू होती है उसी को हम शून्यक कहते हैं। और फिर उसके बाद इसकी सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है बेटा। तो हमने फर्स्ट से लेकर थर्ड तक इसके पहले की वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरा अच्छे से समझा दिया है। ये फोर्थ सवाल से हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए फोर्थ सवाल क्या है, 4u² + 8u। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखिए क्या दिया है, फाइंड द जीरोज। तो हमको पहले तो जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज आप कैसे निकालेंगे बेटा, इसका कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो इसका जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसका हम फैक्टर करते हैं। तो 4u² + 8u का फैक्टर करिए। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 4u, अगर ये 4u² + 8u है तो 4u इसका हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, u, और फिर ये क्या बचेगा बेटा, +2। देखिए फिर से, अगर ये 4u² + 8u है तो इसमें से 4u हमने कॉमन ले लिया, तो 4u जब कॉमन ले लिया तो इसमें अंदर क्या बचा, इस वाले फर्स्ट पार्ट में क्या बचा, u, और सेकंड पार्ट में क्या बचा बेटा, ये 4 × 2 8 आ जाएगा, 8u हो जाएगा। तो इसके बाद हमको क्या करना है, ये किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, यानी कि 4u और u +2 इज इक्वल टू जीरो। तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, 4u को भी हम क्या कर सकते हैं, जीरो के बराबर। तो u इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो एक जीरो तो आपका आ गया। दूसरा देखिए बेटा क्या है आपका, ये अगर हमने u +2 को जीरो लिया, ठीक है ना, u +2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो u +2 को अगर हमने जीरो लिया तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -2, क्योंकि ये इक्वल की दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो अब u की दो वैल्यू आ गई, एक जीरो -2। यही ये दो मान आए हैं आपके, इसी दो मानों को हम क्या कहते हैं बेटा, जीरोज। यही दो वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, शून्यक। तो शून्यक तो मेरे आ गए, शून्यक क्या क्या है बेटा, शून्यक आपके हैं जीरो, फर्स्ट आंसर ये है बेटा जीरो, और दूसरा आंसर क्या है, ये -2। ये आपका मेन आंसर तो आ गया है। अब आपको इसका क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए बताया है कि 4u² + 8u को पहले स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जैसे आपका है ये 4u² और +8u है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये आपका जीरो। तो इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से जब हम कंपेयर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं बेटा 4u² + 8u और +c इज इक्वल टू जीरो। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर जीरो कर दीजिए, अच्छा चलिए। तो आपका आ जाएगा ax² + bx + c इज इक्वल टू जीरो। जब हम कंपेयर करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा आपका 4u² तो देखिए पीछे करते हैं, ये आपका जैसे आप जो सम था उसी में जैसे हमने कंपेयर किया, तो ये आपका सम पहले क्या था बेटा, 4u² + 8u, क्या है 4u² + 8u इज इक्वल टू जीरो। तो हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं कि वहां पे आपको देखना पड़ेगा बार बार। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4u² + 8u + 0 इज इक्वल टू जीरो। ax² + bx + c इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू क्या है बेटा, a इज इक्वल टू आ गया आपका 4, फिर b इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका 8, ठीक है, और फिर c इज इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है ना। यहाँ देखिए a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0, कंपेयर किया हमने इसको, ठीक है। तो उसमें आपकी जीरोस की वैल्यू क्या क्या आई थी आपको पता था, u की वैल्यू मेरी आई थी बेटा एक जीरो आई थी, और एक वैल्यू क्या आई थी आपकी,
एक वैल्यू आपकी आई थी माइनस टू, ठीक है ना, जीरो और क्या आई थी माइनस टू, तो ये जीरो हो गई और एक हो गई माइनस टू। तो जीरो का जोड़ अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए क्या हो जाएगा, जीरो और माइनस टू दोनों जीरो का जोड़, तो जीरो और माइनस टू, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, जीरो का जोड़ माइनस बी अपॉन ए के। तो हम इसको देखते हैं कि माइनस बी अपॉन ए है क्या, तो अब इस इक्वेशन के हिसाब से माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा, या माइनस एट, ठीक है, माइनस एट, और ए की वैल्यू क्या है फोर। फिर से देखिए बेटा, ये बी है अपॉन ए, तो पहले बी की वैल्यू आठ थी तो हमने आठ लिख दिया, और ए की वैल्यू क्या है कंपेयर करके फोर है, तो फोर लिख दिया और माइनस लगा दिया, क्योंकि फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, इसको हम लिख सकते हैं फोर से काट देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टू। इसका मतलब क्या है बेटा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, तो वेरीफाई तो हो गया। अब नेक्स्ट हमको क्या वेरिफिकेशन में करना है बेटा, नेक्स्ट वेरिफिकेशन में देखिए अल्फा इंटू बीटा करना है। अब हमको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा, तो जब हमने अल्फा और इंटू बीटा किया तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों जीरोस हैं, जीरो जीरो और माइनस टू, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं जीरो और माइनस टू। जब हमने जीरो और माइनस टू का मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या आ गया, जीरो आ गया बेटा। अब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, सी अपॉन ए के, तो सी अपॉन ए देखते हैं क्या है, तो सी क्या है जीरो है आपका, सी देखिए इससे देखिए जीरो है, और ए क्या है आपका फोर, तो अपॉन फोर कर दिया, इसका मतलब क्या आ गया जीरो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया बेटा आपका सी अपॉन ए के बराबर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, ये आपका ये जो सवाल है जो जीरोज है वो क्या है आपका सही है, वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सम देखिए बेटा, नेक्स्ट सम क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो सबसे पहले हमने बताया है कि शून्यक निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं, तो जीरोस कैसे निकालते हैं, फैक्टर करके। तो यहाँ देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 का क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप निकालेंगे जीरोस, तो पहले देखिएगा टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। आप लोग को एकदम समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, फिर अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पर 15, ठीक है, एक प्लस में आएगी वैल्यू और एक क्या आएगी माइनस 15, ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 15, और जब अंडर रूट 15 आएगा तो एक प्लस 15 और एक माइनस 15, दो वैल्यूज आ गई आपकी, ठीक है। अब आपका क्या है, इसका दो जीरोस तो आपके आ गए, तो अब जीरोस को क्या करना है, वेरिफिकेशन। पहला पॉइंट था कि जीरोस निकाली, तो जीरोस आप निकाली, अब वेरिफिकेशन है, तो वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या बताया था आपको, पहले देखिए ये जो है आपका सवाल टी स्क्वायर माइनस 15, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखिए इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर, टी का टर्म नहीं है तो हम टी का टर्म लिखेंगे प्लस जीरो, फिर क्या लिखेंगे माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पर हमने वही जीरो जोड़ दिया, जीरो इसलिए जोड़ा क्योंकि टी स्क्वायर के बाद टी का एक टर्म आना था और फिर आपका ये जो है कॉन्स्टेंट टर्म आना था। अब हमने इसको कंपेयर किया बेटा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से जब हमने कंपेयर किया तो ये मेरा क्या आ जाएगा बेटा, ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर से देखिए, ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई वन, ए इज इक्वल टू a इज इक्वल टू देखिए वन, a की जगह क्या है वन, b की जगह देखिए क्या आ गया जीरो, b इज इक्वल टू क्या आ गया आपका जीरो, ठीक है, और c इज इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस में 15, ठीक, a b c आपको क्लियर हो गया। अब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब जो 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 शून्य निकले थे, जो दो मेरे क्या निकले थे जीरोज निकले थे उनका जोड़, तो उनको जब जोड़ा हमने तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 15 प्लस में था एक और एक माइनस 15, ठीक है ना, यही दोनों को देखिए जोड़ दिया, यही दोनों जीरोस है, एक ये जीरोस एक ये जीरोस, और जब उन्हें जोड़ा तो ये क्या आ गया जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, तो हम इसको चेक करते हैं कि नहीं बराबर, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या है जीरो, ठीक है ना, और ए की वैल्यू क्या है वन, ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो से किसी भी चीज का डिवाइड करें वन का तो क्या आएगा जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो आ गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन एक आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वेरिफिकेशन जो है वो हो गया अल्फा प्लस बीटा का, मूलों के जोड़ का। अब मूलों के गुणनफल का वेरिफिकेशन करते हैं बेटा, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 15
ठीक है ना, प्लस में, और एट क्या हो जाएगा अंडर रूट 50, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब ये आपका मूलों का क्या आ गया बेटा, ये 15 आ गया अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है ये क्या होना चाहिए, सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए, माइनस में आएगा सी अपॉन ए। तो अब सी अपॉन ए देखिए क्या है बेटा, सी की वैल्यू क्या है माइनस 15, सी की वैल्यू लिख दिया हमने माइनस 15, ए की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई माइनस 15। ध्यान से देख लीजिए, सी अपॉन ए की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो क्या हो गया ये इक्वेशन क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई, अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, सबसे पहले हम कोई भी जो इक्वेशन होती है उसका हम क्या करते हैं, उसका हम जीरोज निकाल लेते हैं, और जीरोज निकालने के बाद उसका हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू देखते हैं माइनस बी अपॉन ए है कि नहीं, और अल्फा इंटू बीटा क्या देखते हैं, सी अपॉन ए के बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर है तो ये क्या हो गई बेटा, वेरीफाइड भी हो गई, ठीक है, जीरोज को निकालना है और वेरीफाइड भी करना है। नेक्स्ट क्या है आपका, 3x² - x - 4, तो ये आपका है आपका इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि हम फैक्टर करके क्या निकालेंगे, जीरोस, तो हम इस इक्वेशन से जीरोस देखिए निकाल सकते हैं। ये 3x² है और यहाँ 4 है, हमको इसका क्या करना है, फैक्टर करना है, तो 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसका फैक्टर के लिए, 3x², फिर उसके बाद क्या लिख दें हम, -4x और +3x - 4 इज इक्वल टू जीरो। देखिए ध्यान से, ये 3x² ऐसे ही हो गया, ये -4 ऐसे ही हो गया, अब ये x जो है ये -x आना है, तो 4 में से जब 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में x आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे, x को अगर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इधर x हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर देखिए क्या बचेगा, 3x, क्योंकि 3x पे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 3x² फर्स्ट टर्म आ गया, माइनस में क्या बचेगा, 4, क्योंकि अगर हमने x को कॉमन ले लिया है इस x को, तो माइनस में 4 बचा। यही टर्म जो यहाँ आया इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं, फर्स्ट टर्म 3x - 4, फैक्टर करने के लिए हम आपको तरीका बता रहे हैं। ये क्या है आपको, यही टर्म हमने यहाँ उतार लिया। अब देखते हैं फर्स्ट टर्म कैसे आएगा, तो फर्स्ट टर्म कैसे आएगा, अगर हम +1 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए फर्स्ट टर्म आ जाएगा 3x, फर्स्ट ये जो +1 है इसका जब -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। इसका मतलब ये मेरा फैक्टर सही है, 3x - 4 आपने पहले उतार लिया बेटा, क्योंकि ये क्या है मेरा, दोनों में कॉमन है, देखिए इस इक्वेशन में भी है इसमें भी है। जब हमें इसको उतार लिया बेटा तो इधर क्या बचा, x बचा, और इधर क्या बचा, इस पूरे टर्म में 1 बचा, तो x+1 बच गया मेरा इज इक्वल टू 0। अब हमको अलग अलग दोनों को जीरो के बराबर करना है, मतलब 3x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। जब हम क्या लेंगे, If 3x - 4 को 0 ले लिया, दूसरा टर्म अलग से लिखेंगे, तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4, 3x की वैल्यू क्या आ गई, 4, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4/3। नेक्स्ट देखिए, x+1 इज इक्वल टू क्या है आपका, 0, तो x+1 इज इक्वल टू जब 0 है तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि x+1 है आपका 0, तो x इज इक्वल टू है आपका -1 के बराबर है, x की वैल्यू क्या है -1, तो अब आपका क्या निकल गया है, जीरोस, तो आपका क्या है, दोनों निकल गया है, एक वैल्यू और दो वैल्यू, दोनों वैल्यू आपकी जीरोस की निकल गई है। अब हमको इसमें क्या करना है बेटा, अब हमको इसमें जो है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के इक्वल रखना है, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0, और ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, -1, और फिर c इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, -4, ठीक है। अब यही आपने जब कंपेयर इसको कर लिया तो अब हमको क्या करना है बेटा, वेरीफाइड करना है। तो वेरीफाइड करने के लिए पहले हमने अल्फा प्लस बीटा किया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही दोनों मूलों का क्या करना है, जोड़ना है। तो ये आपने जोड़ा बेटा 4/3, पहला जो है अल्फा और दूसरा -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4/3 यहाँ पर है, और -3/3 एलसीएम ले लिया हमने, तो ये 1/3 आ गया, ठीक है। अब इसका किसके बराबर करना है, -b/a के बराबर देखते हैं ये है कि नहीं, तो -b क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा बेटा, 1, और अपॉन a की वैल्यू क्या है, 3। फिर से देखिए -b/a करना है, तो -b/a यहां से हमने जब लिया तो b की वैल्यू क्या थी, -1, तो हमने b की वैल्यू यहाँ -1 लिखी,
पर इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है तो उससे ये प्लस वन हो गया, ठीक है ना। और फिर ए लिखा नीचे, अपॉन ए था तो ए की वैल्यू 3, तो 1/3। इसका मतलब क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब नेक्स्ट हमको वो करना है बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा होगा क्या, पहले आप ये सोचिए। अल्फा है बेटा आपका यहाँ पर 4/3, यहाँ पर लिख दीजिए 4/3, और ये क्या है बेटा आपका माइनस में वन, माइनस में वन मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, तो ये क्या आ गया आपका माइनस 4/3। अब इसका हमने किसके बराबर देखना है, सी अपॉन ए के बराबर है कि नहीं, तो सी की वैल्यू क्या है बेटा माइनस में 4, यहाँ देखिए माइनस में 4, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है आपकी 3, तो ए की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका माइनस 4/3, दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो वेरीफाइड आपका हो गया देखिए, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा जो है वो किसके बराबर है, सी अपॉन ए के, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के। तो इसके सवाल बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं, आप बहुत अच्छे से करिएगा, और आप इसके पहले की वीडियो भी जरूर देखिएगा जिसमें हमने पूरा आपको बताया है कि ये मूलों का जोड़ किसके बराबर होता है, मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को एक साथ समझ में आ जाए इसलिए हमने एक साथ ये वीडियो बनाई है, आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कॉपी पेन निकाल के अभी करने बैठ जाइए, ठीक है। बहुत अच्छे से सब सवालों को अपने आप जरूर एक बार करिए, वीडियो देखने के बाद अपने आप जरूर एक बार करिए, ओके। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, बाय।